अंकिता, विनीता, आ जाओ तुम्हें सब दिखाती हूँ। ये बरामदा है, अंदर वहाँ पर बैठक है, ऊपर 3 कमरे हैं और उसके ऊपर छत है। अब तुम दोनों आ गई हो तो छत पर पापड़ अचार वगैरह तुम ही देखना भाई, मुझसे तो तीसरी मंजिल पर चढ़ा नहीं जाता। जी मम्मी जी। आओ मेरे साथ बाहर आओ। हम कहीं जा रहे हैं मम्मी जी? नहीं नहीं, यहाँ पास में हमारा एक और घर है, वही दिखाने जा रही हूँ, आओ मेरे साथ। ये कहानी है उषा और श्यामलाल की, जिनके 2 बेटे थे, बड़ा आकाश और छोटा विकास। उषा और श्यामलाल ने अपने दोनों बेटों की शादी अंकिता और विनीता से कर दी थी। ये दोनों सगी बहनें थीं। शादी के अगले दिन उषा अपनी दोनों बहुओं को बड़े प्यार से अपना घर दिखा रही थी, तभी वो उन्हें उसी गली में 3 मकान छोड़कर बने एक और मकान में ले गई। अंदर आ जाओ, ये घर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा वो घर है। तो मम्मी जी, दो दो घर की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल ये मेरे देवर का मकान था, तुम्हारे चाचा ससुर रामलाल का। उनका बेटा सुहास इंजीनियर बन गया और फिर अमेरिका जाकर ही बस गया। रामलाल भैया और तुम्हारी चाची ललिता भी उसके साथ ही चले गए। उनके पीछे ये मकान खंडहर हो रहा था तो हमने इसे खरीद लिया। दोनों भाइयों में बड़ा प्यार था, इसीलिए दोनों मकानों का नक्शा बिल्कुल एक जैसा है। तो यहाँ कौन रहता है अब? कोई नहीं, कई बार सोचा कि किराएदार रख लें, लेकिन ये मानते ही नहीं है। अब तुम दोनों आ गई हो तो मिलजुल कर तय करेंगे कि क्या करना है इस मकान का। जी मम्मी जी। बेटा, मुझे तुम दोनों से बड़ी उम्मीदें हैं। तुम दोनों सगी बहनें हो तो हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, प्यार से, बस हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जी मम्मी जी। उसके बाद उषा मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। उसके मन में बड़ा संतोष था कि अब उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी थी, लेकिन आगे जो होने वाला था उसका तो उषा को अंदाजा ही नहीं था। शादी के 2 साल बाद ही उषा के घर में दरार आने लगी। दोनों सगी बहनें अब सही मायने में जेठानी और देवरानी बन चुकी थी और एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। जब मैंने कहा था कि मेरी कढ़ाई मत छूना तो तूने हाथ कैसे लगाया? क्यों, उस दिन आपने भी तो मेरे पैन में ऑमलेट बनाया था ना, तब मैंने कुछ कहा था क्या? अरे क्या हो गया, सुबह सुबह क्यों लड़ रही हो? मम्मी जी बस अब बहुत हो गया, आज फैसला हो ही जाए। किस बात का फैसला? हाँ हाँ, फैसला तो मुझे भी चाहिए मम्मी जी, अब या तो ये इस घर में नहीं रहेंगे या फिर मैं नहीं रहूंगी। अंकिता की ये बात सुनकर श्यामलाल भी हैरान रह गए। वो फौरन बोले, कैसी बातें कर रही हो तुम दोनों? अरे सगी बहने हो तुम। हाँ पापा, बहने हम पहले थी मगर अब ये जेठानी बन गई है, हर चीज में रौब दिखाती है मुझ पर, समझा लीजिए इसको। ए जरा तमीज से बात कर, समझी, छोटी है तो छोटी रहे। दोनों बहनें अपने सास ससुर के सामने झगड़े जा रही थी। श्यामलाल समझ गए थे कि अब बंटवारा करना ही पड़ेगा। उसी शाम आपसी सहमति से तय हुआ कि अंकिता उसी घर में रहेगी और विनीता दूसरे घर में जाकर रहेगी। और फिर एक बात और, मम्मी और पापा हमारे साथ रहेंगे। ऐसे कैसे, क्या तुम ही उनकी बहू हो? वो मेरे साथ रहेंगे मेरे घर पर। अरे हाँ, तूने कह दिया और मैंने भेज दिया उन्हें तेरे साथ। मकानों का बंटवारा तो हो गया था और अब बारी थी सास ससुर के बंटवारे की। फिर आखिर में दोनों बहुओं की सहमति से ये फैसला हुआ कि एक घर में उषा रहेगी और दूसरे घर में श्यामलाल। अंकिता के हिस्से ससुर आए और छोटी बहन विनीता के हिस्से में उसकी सास उषा। सब अपना अपना सामान लेकर अपनी अपनी जगह चले गए। फिर रात को सोने से पहले श्यामलाल और उषा घर के पास वाले पार्क में मिले। श्यामलाल को देखते ही उषा रोने लगी। ये सब क्या हो गया जी, क्या इस दिन के लिए हमने विकास और आकाश की शादी की थी? अब क्या करें उषा, घर में शांति बनाए रखने के लिए हमें ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम हर रोज यहाँ पार्क में मिलते रहेंगे। काफी देर तक बात करने के बाद उषा और श्यामलाल अपने अपने घर चले गए। फिर कुछ देर बाद उसी पार्क में विनीता और अंकिता भी एक साथ आ पहुंची और फिर, क्या दीदी, कैसी एक्टिंग की मैंने? शानदार छोटी, बस अब तू देखती जा, ये बुढ़े बुढ़िया जल्दी ही एक दूसरे के बिना मर जाएंगे और फिर सारा पैसा समेट कर हम दोनों किसी बड़े शहर में खूब बढ़िया मकान लेंगे। हाँ दीदी, कौन रहेगा यहाँ? मैं तो बस दुआ कर रही हूँ कि ऊपर वाला जल्दी से इन दोनों को बुला ले अपने पास। अच्छा तू चल अब अपने घर जा, अगर किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। दोनों बहनों के बीच झगड़ा बस एक नाटक था। वक्त बीतता गया और हुआ वही जो अंकिता और विनीता ने चाहा था। उषा और श्यामलाल दोनों की तबीयत खराब रहने लगी। वो दोनों एक दूसरे से अलग होकर बिल्कुल खुश नहीं थे। उधर ये देखकर अंकिता और विनीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन फिर एक दिन अंकिता के घर की डोरबेल बजी। जी आप कौन? श्यामलाल जी हैं, मैं सुहास, वो मेरे ताऊजी हैं। अच्छा अच्छा, आइए अंदर आइए ना। सुहास श्यामलाल के छोटे भाई रामलाल का इकलौता बेटा था और अमेरिका से सिर्फ अपने ताऊजी से मिलने आया हुआ था।
वो बचपन से ही उनका लाडला था और जब सुहास ने श्यामलाल की हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। वो श्यामलाल के गले लगकर रोने लगा और फिर चुप हो जा मेरे बच्चे, यहाँ सब ठीक है, तू कैसा है और रामू वो क्यों नहीं आया तेरे साथ? ताऊजी पापा और मम्मी दोनों नहीं रहे, उन दोनों की आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियां मैं हरिद्वार में ही विसर्जित करूं, तो इसीलिए मैं यहाँ आ गया, मैं अनाथ हो गया ताऊजी। ऐसा मत बोल बेटा, मैं और उषा जिंदा हैं अभी, पर ताई जी हैं कहाँ? उषा का नाम सुनकर श्यामलाल भी फफक कर रोने लगे और फिर उन्होंने सुहास को सब कुछ बता दिया। सुहास को जैसे ही उन दोनों के बंटवारे की बात पता चली तो वो हैरान हो गया और फौरन दूसरे घर की तरफ चल दिया और कुछ ही देर में उषा को उसके सामान के साथ लेकर लौटा। आपने सही कहा था ताऊजी, मैं अनाथ कैसे हो सकता हूँ जब तक आप दोनों मेरे साथ हैं, और आप दोनों को भी कोई अलग नहीं कर सकता जब तक मैं जिंदा हूँ, आप दोनों अब से मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। सुहास को ना कहने की ना तो श्यामलाल और उषा में हिम्मत थी और ना ही चाह, क्योंकि इतने दिनों में वो भी अंकिता और विनीता की चाल अच्छे से समझ गए थे। उनके लिए फैसला लेना आसान था और मुश्किल अब अंकिता और विनीता के सामने थी, क्योंकि अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने सास ससुर से कोई भी उम्मीद रख सके। विष्णु मेरे पास आओ बेटा। जी बाबूजी, मैं यहीं पर हूँ आपके पास। एक दिन तो सबको जाना है, मेरा भी वक्त आ गया है। लक्ष्मी तुम भी मेरे पास आकर बैठो बेटी। अब सुंदर कहाँ है? भैया रास्ते में है बाबूजी, बस पहुँचते ही होंगे। वो भी आ जाता तो ठीक रहता, तुम सबको एक जरूरी बात बतानी थी, कहीं उसके आने से पहले मेरे प्राण ना निकल जाएं। ऐसा न कहिए पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा, भैया भाभी बस आते ही होंगे। आएंगे, जरूर आएंगे वो, पर मेरे चले जाने के बाद, और आते ही अपना हिस्सा मांगेंगे। अच्छे से जानता हूँ उन दोनों को, तुम दोनों बहुत भोले हो और वो दोनों एक नंबर के चालाक। खैर अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैंने इस तरह बंसीलाल स्वर्ग सिधार गए और उनकी बात अधूरी ही रह गई। विष्णु और लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगे। बंसीलाल के दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम सुंदर और उसकी पत्नी मालती थी, जबकि विष्णु उनका छोटा बेटा था और उसकी पत्नी लक्ष्मी थी। बंसीलाल हमेशा से विष्णु के घर पर ही रहते थे। विष्णु और लक्ष्मी उनकी खूब सेवा करते थे, जबकि सुंदर और मालती को तो हमेशा से बस बंसीलाल की जमीन जायदाद से ही मतलब था। जैसा कि बंसीलाल ने कहा था, उनकी मौत के बाद सुंदर और मालती वहाँ पहुँचे। विष्णु पिताजी चल बसे क्या? जी भैया, हम अनाथ हो गए भैया, बाबूजी नहीं रहे। कोई बात नहीं, हिम्मत रख भाई। अच्छा ये बता, पिताजी ने जाते हुए कुछ कहा क्या? नहीं तो मतलब, अरे वही अपनी जमीन या खेत के बारे में कुछ? नहीं भैया, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा। हाँ तो ठीक है ना, आप दो ही भाई तो हो, आधी आधी बांट लो जमीन। भाभी अभी अभी पिताजी का देहांत हुआ है, ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा बिल्कुल अभी कागज पत्तर मांग रही हूँ। सुंदर और मालती एक नंबर के लालची थे। सुंदर बहुत पहले ही पैसे कमाने के चक्कर में शहर चला गया था और शहर में रहकर उसने अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया था, जबकि विष्णु सिर्फ इसलिए गांव में रहा ताकि वो अपने पिता की देखभाल कर सके और खेती बाड़ी संभाल सके। इस तरह से सुंदर के मुकाबले विष्णु हमेशा से ही गरीब ही रहा, लेकिन इस बात का न तो विष्णु को कोई अफसोस था और न ही उसकी पत्नी लक्ष्मी को। दोनों ने मिलकर बंसीलाल का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उन्हें कभी कोई कमी नहीं होने दी। जबकि अमीर होने के बावजूद सुंदर और उसकी पत्नी मालती एक नंबर के कंजूस और लालची थे। उन्होंने जीते जी तो कभी बंसीलाल की सुध नहीं ली, लेकिन अब उनके देहांत के बाद अपना हिस्सा मांगने जरूर पहुंच गए थे। विष्णु अब तो सारे काम निपट गए हैं और मेरी छुट्टी भी खत्म होने वाली है, तो आओ अब जरा बंटवारा कर लेते हैं। भैया बंटवारा करना जरूरी है क्या? और नहीं तो क्या विष्णु भैया, आप तो रहते हो गांव में, अपनी जमीन की देखरेख कर ही लोगे, पर हम शहर से कहां आते रहेंगे बार बार, इतना टाइम थोड़े ही होता है हमारे पास। अब बंटवारा हो जाए तो हम अपने हिस्से की जमीन बेचकर निश्चिंत हो जाए और फिर चले जाए वापस। भाभी तो क्या गांव से कोई नाता नहीं रखोगी अब? अब यहाँ गांव में है ही क्या लक्ष्मी, पहले पिताजी थे तो फिर भी आना जाना हो जाता था, अब क्या ही करना है यहाँ आकर।
मालती और सुंदर ने जिद ठान ली थी कि बंटवारा तो होकर रहेगा। और फिर बंटवारे से ठीक एक दिन पहले, सुनो जी। हाँ बताओ। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि विष्णु अपनी जमीन भी हमें बेच दे तो कैसा रहेगा? पर वो अपने हिस्से की जमीन हमें क्यों बेचेगा? और हम क्या करेंगे इतनी सारी जमीन का भाई? हम क्या करेंगे मतलब? अरे सारी जमीन बेच बाच कर शहर में बढ़िया घर और चमचमाती गाड़ी लेंगे और क्या। पर ऐसा होगा कैसे भाई? मालती ने सुंदर को अपने दिमाग की सारी खुराफात बता दी। फिर अगले दिन सुंदर सुबह विष्णु से बोला, विष्णु क्या कर रहे हो? खेत जा रहा हूँ भैया, बीज बोने हैं। अच्छा तो तुम मेरे साथ तहसील नहीं चलोगे क्या? तहसील? वहाँ क्यों जाना है भैया? अरे वो पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर जमीन अपने नाम ट्रांसफर करवानी पड़ेगी ना। ओहो भैया आप ही देख लो ना ये सब, मुझे वैसे इन सब के बारे में क्या पता। चलो ठीक है, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। भोला भाला विष्णु सुंदर पर बहुत भरोसा करता था, आखिर दोनों सगे भाई थे। उधर मालती और सुंदर तो यही चाहते थे कि विष्णु उनके साथ ना जाए। मालती और विष्णु उस दिन तहसील के बहाने सारा दिन घूमते रहे और फिर शाम को अपने प्लान के मुताबिक वो घर में दाखिल हुए। अरे भैया भाभी आ गए आप लोग, थक गए होंगे ना, पूरा दिन लग गया आज तो। अरे पूछो मत, पूरा दिन धूप में परेशान हो गए। और हासिल क्या हुआ? ढेला? ढेला ही मिलेगा ना, पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। कुछ नहीं छोड़ा? मतलब पिताजी हमारे लिए इतनी सारी जमीन छोड़ तो गए है ना? अरे ये जमीन हमारी नहीं है लक्ष्मी, पिताजी ने बैंक से लोन लिया था ना 2 लाख रुपए का, जो उन्होंने चुकाया नहीं, और बैंक ने अब जमीन पर केस लगा दिया है। तब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा, जमीन हमारी तो क्या किसी के भी नाम नहीं हो पाएगी। पर भैया पिताजी ने तो इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अरे कैसे बताते, अगर वो बता देते कि जमीन गिरवी रखी है तो हम नाराज नहीं हो जाते? खुद तो चले गए और हमें भिखारी बना गए। कुछ भी हो भाभी पर ऐसे तो मत बोलिए पिताजी के बारे में। अरे तुम चुप रहो लक्ष्मी, ये देख रही हो ये बैंक का नोटिस है, इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर हमने 1 महीने के अंदर 4 लाख रुपए नहीं चुकाए तो वो खेत की जमीन के साथ साथ हमारे घरों पर भी कब्जा कर लेंगे। हे भगवान अब हम क्या करेंगे भैया? अब तो बस एक ही तरीका है विष्णु, 2 लाख तुम दो, 2 लाख हम देते हैं और जमीन बचा लेते हैं। भैया लेकिन अब इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास। विष्णु और लक्ष्मी सुंदर और मालती की चाल में फंस चुके थे। वैसे एक तरीका है जिससे काम बन सकता है। हाँ तो जल्दी बताओ ना। अगर ये दोनों अपने हिस्से की जमीन बेच दें तो काम बन सकता है, पर हम जमीन कैसे बेच सकते हैं? आप ही ने तो बताया कि जमीन पर केस है। हाँ कोई और तो नहीं ले सकता, लेकिन हम तो ले सकते हैं। अगर तुम दोनों अपने हिस्से की जमीन हमें दे दो तो मैं अपने भैया से 2 लाख रुपए लेकर बैंक के पैसे चुका दूंगी, और फिर जब जमीन पर केस खत्म हो जाएगा तो उसे बेचकर अपने भैया के पैसे चुका दूंगी। भाभी ऐसे तो हमारे पास जमीन ही नहीं रहेगी। अरे नहीं ऐसा मत सोचो, वो नदी के पास अपना छोटा खेत है ना, ऐसा करो उसे तुम ले लो, उसी पर खेती करो। तुम मेरे भाई हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए, बस एक वही ऐसा खेत है जो गिरवी नहीं है। मालती और सुंदर ने बहुत गहरी चाल चली थी। उधर विष्णु और लक्ष्मी सोच रहे थे कि उनके भैया भाभी ने उनका घर बिकने से बचा लिया है। फिर वैसा ही हुआ जैसा तय हुआ था। लक्ष्मी और विष्णु ने अपने हिस्से की जमीन मालती के नाम कर दी और खुद नदी के पास वाले खेत में खेती करने लगे। फिर कई दिन बीत गए। मालती और सुंदर सारी जमीन मिलने से खुश थे तो विष्णु और लक्ष्मी भी अपना घर बच जाने की बात से संतुष्ट थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। एक दिन सुबह सुबह नदी के पास वाले खेत में, लक्ष्मी लक्ष्मी जल्दी इधर आओ। क्या हुआ जी? ये देखो खेत में जुताई करते हुए मुझे क्या मिला। जुताई में विष्णु को एक लोहे का बक्सा मिला था जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के भरे हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त शहर में मालती के घर की घंटी बजी। ये घर सुंदर का है? जी हाँ, आप कौन? हम लक्ष्मी सागर बैंक से आए हैं। आपके पिता बंसीलाल ने 4 लाख रुपए का लोन लिया था हमसे, और उन्होंने उसकी सिर्फ 3-4 किश्तें ही चुकाई हैं। हम गांव में आपकी खेती की सारी जमीन अपने कब्जे में ले चुके हैं और उसकी नीलामी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा ना करें तो आपको सूद समेत कुल 9 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, वो भी 3 महीनों के अंदर। सुंदर आए तो उन्हें ये बात बता देना। मालती को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ और कैसे हो गया, लेकिन सच तो यही था कि अब जाकर हुआ था असल मायने में बंटवारा। जिसने जो बोया था वही उसे मिल रहा था।